कलाकार होने के नाते 25 तारीख जो अंतिम कार्यक्रम मन की बात का है वो इस वर्ष का है, तो निश्चित रूप से वो भी हमको बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं तो इतना ही आपको कहूंगा कि हम लोग इन सब बातों को लेकर के जो हम कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की हम ढिलाई न बरतें और जितने भी कार्यक्रम आगे करते हैं इसके लिए हम आगे बढ़ें। हम लोगों को एक विषय, आजकल जैसे सर्दी का मौसम, एक सूचना मुझे देनी है कि सर्दी और धुंध के कारण से हमारा जो वाहन ट्रैफिक है, सड़कों पर चलते हैं, इसके अंदर एक्सीडेंट्स होने की बहुत बात आती है। वृक्ष साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि एक सूचना मैं दे रहा हूं सबको, पूरे प्रदेश के लोगों को, सावधानी बरतें, धुंध में कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो इस प्रकार का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, सामने जो लोग आते हैं उनका भी जीवन सुरक्षित रहेगा। सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें होने वाली मौत है, ऐसी मौत में और हम लोग जो है उसका आंकड़ा कैसे कम करें, इसकी योजना जरूर हम बनाएं। इसी प्रकार से इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, आज पीएम वाजपेयी को उन्होंने याद किया है। बता दें कि आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, याद किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, इस मौके पर उन्हें नमन किया है और सुशासन दिवस के मौके पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंतिम पायदान तक लोगों पर पहुंचाएं, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति का विकास हो और जो भी जनहित की योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। तो प्रदेश आज सुशासन दिवस मना रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। सभी को मिलकर सुशासन की यात्रा को आगे बढ़ाना है, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा है। सभी को मिलकर एक साथ चलना होगा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठंड से बचने के लिए भी आप उपाय करें, क्योंकि धुंध में सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एहतियात बरतें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है, पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री।